देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं रुतिका पांडे, न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, खबरें तो मैं रोज पढ़ती हूं, पर आज मुझे कुछ बोलना है, और बोलना मुझे इसलिए है क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, और बोलना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, और बोलते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, फिर भी मुझे कुछ बोलना है। पर मैं बोलूं क्या? बोलने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे शोधकर्ता ने जन्म लिया है जिसकी खोज के बारे में आज तक किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। मैं दावा करती हूं कि आज तक सचमुच नहीं की होगी। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं कि मुझे इन महान हस्ती के बारे में बोलने के लिए चुना गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एक ऐसी महान हस्ती की जिन्होंने छोटी मोटी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक खोज की है। जरा दिल थाम के बैठ जाइए, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। जनाब, आज हम आपको एक टोपी वाले नेताजी का परिचय करवा देते हैं। इनका नाम है आजम खान और पार्टी इनकी समाजवादी है, और इनका काम है महिलाओं के अंडरवियर का कलर बताना। जी हाँ, दरअसल इस देश में नेताओं का काम होता है जनता की सेवा करना, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कहते हैं कि रामपुर वालों ने 17 साल लगा दिए जयाप्रदा को पहचानने में, उनके पहचान करने के बारे में, पर मैंने 17 दिनों में ही उनके अंडरवियर का कलर बता दिया। देखिए उनकी बातें। शाबाश वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस मैं 17 दिन में पहचान गया। जयाप्रदा खाकर रंग की अंडरवेयर पहनती हैं। वाह नेताजी, आपकी शोध से मैं कितनी प्रभावित हूँ, मैं अपने मन की बात अपने शब्दों में नहीं बता सकती। मतलब ये है, इसका खास मतलब यही हुआ ना कि नेताजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें काम से नहीं महिलाओं के अंडरवेयर से मतलब है। नेताजी कुछ तो शर्म करो, डूब मरो। नेताजी, जिस देश में आप रहते हैं ना, वो भारत है। यहाँ भारत माता के नारे लगते हैं। आप सुन रहे हो ना मेरे शब्द, भारत माता। माता माँ को कहा जाता है, और भारत माता स्त्री का देवी का स्वरूप मानते हैं। स्त्री को हमारे भारत में देवी का स्वरूप माना जाता है। आपको कोई अधिकार नहीं बनता भरी सभा में सिर्फ 4 दिन की सत्ता के लिए किसी महिला का इस कदर अपमानित करना। मैं खुद एक स्त्री हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि उस पल उस महिला को किस यातना से गुजरना पड़ा होगा आपके अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी से। नेताजी, सरकार ने कई योजनाएं निकाली हैं, ये मेरी हिदायत है आपको। नेताजी, हमारी सरकार ने कई योजनाएं निकाली हैं जिससे सरकारी अस्पताल भी खुलवाए गए हैं। मेरी हिदायत है आपसे, कृपया करके आप अपने दिमाग का इलाज अवश्य कराएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारी से मुझे ग्रस्त नजर आ रहे हैं। और एक बात, जैसे घोड़े पर लगाम लगाई जाती है ना, अगर कहीं जबान पर भी लगाम लगाई जाती हो तो वहाँ आप बिल्कुल और अवश्य ही जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी आपको सब जरूरत है। क्योंकि जब से मैंने खबर सुनी ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना पारदर्शी कैसे हो सकता है कि बिना देखे किसी महिला का अंडरवेयर का कलर बता देना। भाई कमाल की बात है, इतना तो हमारे देश के बड़े बड़े जो ज्योतिष शास्त्री है ना, उन्होंने भी आज तक ऐसी भविष्यवाणी नहीं की होगी। भाई क्या है ना कि इतना ज्ञान तो बरसों की तपस्या से ही आता है, और शायद नेताजी ने घोर तपस्या की होगी जिसके बाद नेताजी का इतना पर्चा है। आजम खान जी, राजनीति को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम जैसे इंसानों ने इस देश की राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, और देखिए इसके बाद भी चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है, और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी, बस इस देश के लोगों को मजाक सूझ रहा है। पर अपमान तो उस महिला का हुआ है जिसके अंडरवेयर का कलर भरी सभा में बताया गया। दरअसल बात सामने निकल कर यही आती है कि क्या नेता सिर्फ महिलाओं के अंडरवेयर का कलर का ध्यान रखते हैं, या फिर कुछ कामकाज पर भी ध्यान देते हैं। हमें ऐसी सड़ी हुई मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें बताना होगा कि दरअसल भारत की राजनीति में आजम खान जैसे लोगों को कितना और मौका देंगे।
कोई राजनीतिक पार्टी हो या मीडिया, हम क्यों इन्हें हाईलाइट करते हैं और इनको बार बार दिखाते हैं। आजम खान के बिगड़े बोल को हम सब जानते हैं और आजम खान ने कितने सालों से ये बिगड़े बोल बोल करके क्या हासिल कर लिया है, आप जरा इस बारे में सोचिएगा। लोगों को, ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तिहाड़ जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी या देश के लिए नहीं बने हुए हैं, बल्कि कैदियों के बीच वहां के चौधरी बनने के लायक है और उसी के लिए पैदा हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूं कि जब कोई बच्चा कोई रोटी चुरा ले जाता है, मैंने एक बात पढ़ी थी, एक स्टोरी सुनी थी कि एक बच्चा था, उसने रोटी चुरा ली तो उसको चोर घोषित कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे बेहुदा लोगों को पागल घोषित कर देना चाहिए? क्योंकि ये बात तो मेरे समझ से बाहर है, जो भरी सभा में किसी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करे उसे खुला छोड़ देना चाहिए। वक्त की कमी के चलते और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे अब चलना चाहिए, मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करती हूँ अगली खबर में हम किसी गौरवान्वित होने वाले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ टीम इंडिया। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।